ये क्या हुआ? ये देखिए पुष्पा आंटी ने क्या किया, उन्होंने सारा कचरा उठा के नीचे सड़क पे फेंक दिया। बिल्डिंग के नीचे डस्टबिन रखा है, वहां जाके फेंक दी थी। ओ गॉड, फिर से सारा कचरा नीचे फेंक दिया। दिस इज लिमिट्स। पुष्पा, घर की सफाई का ये मतलब नहीं है कि हम अपने घर का सारा कचरा बाहर मोहल्ले में फेंक दें। ये घर मोहल्ला भी हमारा घर है, हमें घर और मोहल्ला दोनों को साफ रखना चाहिए। कूड़ा करकट मैंने घर के बाहर ही तो डाला है, इसमें मैंने क्या गुनाह कर दिया? कूड़ा बाहर फेंकने से बीमारियां फैलती हैं, कीटाणु फैलेंगे। पुष्पा, हमें अपना घर और मोहल्ला दोनों साफ रखना चाहिए। पर ये जो नीचे हो रहा है इसका क्या? ये क्या तरीका है? ये फुटपाथ है, इसमें आप थूक रहे हैं? पढ़े लिखे इंसान लगते हैं आप? डस्टबिन है, उसमें जाके थूकिए। नहीं, कैसे इंसान है, पढ़े लिखे होने के बाद भी ये करते हैं? तो तभी आती है जब इससे लोगों को समझ में आए कि मैं तो समझ गई, मैं चली नीचे कूड़ा साफ कर ले। जाने अनजाने में हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे हमारे शहर और मोहल्ले दोनों को नुकसान पहुंचता है। तो आइए आज हम मिलकर प्रण लें कि अपने शहर को हमेशा साफ रखेंगे। क्या आप सब हमारे साथ हैं? हाँ, मैं आपके साथ हूँ। मैं भी आपके साथ हूँ। हम सब आपके साथ, आपके साथ। हाँ, हम भी आपके साथ हैं। अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसमें शर्म कैसी? चलो चले गंदगी दूर करें मिल करके। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश में चलाया जा रहा है, आज हमारे क्षेत्र में हो रहा है, और इस गंदगी को दूर करने के लिए हम सब लोग मिलकर इसको दूर करेंगे, और इस बात का हम लोग संकल्प लें। साथियों, हम सब कंधे से कंधा मिलाकर अपने शहर और मोहल्ले को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रण लें।